आज तेरी बार टिकटॉक लाइव में। ओह थैंक यू। ओके अब शायद अब लाइव इन करना पड़ेगा गाइस, मेरा एग्जाम है कल, मुझे पढ़ना भी है 2 घंटे। सुरेश के साथ स्टूडियो में लाइव आना, ये कभी मुझे नहीं आने वाला है। स्टूडियो में एंट्री नहीं है, सिर्फ उद्घाटन के समय। स्टूडियो में एंट्री है आपकी, बस सामान उठा के भाग देंगे स्टूडियो का। नहीं आने दो, मैं आने आगे भाग जाऊंगी। ना रहेगा स्टूडियो, ना होगा उद्घाटन। चश्मा क्यों लगा? मेरे सामने चश्मा मत लगाओ, मैं लगा सकता हूँ। एक कटोरा लेके मैं गाऊंगा, तुम एक कटोरा लेके बैठो पुराने फटे कपड़े। एक किसी ऐसी जगह चलते जहाँ पर मैं कोई ना जानता ना, लेके अमीरों के किसी कंट्री में ना रिटायरमेंट, ज्यादा बुढ़े होंगे ज्यादा पैसे नहीं है तो मेरा प्लान तो कम है। बहुत अच्छा है ना, फ्यूचर सिक्योर, ना पढ़ना पड़ेगा, ना लाइसेंस चाहिए, ना डिग्री चाहिए। बहुत अच्छा भिखारी। चलो लाइव इन करो अभी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टेक केयर। नहीं कितना हुआ है? कितना हो गया बोलो? 67,000 तो नहीं हुआ है, 1 मिलियन हो गया है। ए नहीं हुआ है मेरा। मुझे फॉलो करो यार, मुझे थोड़े से फॉलोअर्स की जरूरत है। एक एक मैच लगा उसके बाद हो जाएगा। हार्ट वाला लगा था, डोनट वाला लगा। हाँ डोनट वाला लगा, अगर करो डोनट वाला लगा था। हार्ट वाला लगा हो गया इस चाय में, डोनट वाला हार्ट वाला, डोनट वाला इसकी टैपिंग होनी चाहिए। मैं मैजिक में मैं वो डाल दूँ क्या? टैपिंग नहीं। हाँ डाल दूँ क्या? वो क्या बिना आवाज वाला हम अभी खेलेंगे। अच्छा एक रिकॉर्ड करेंगे, इसकी मदद दो पार्ट डाल दूँ। मेरा आवाज ही नहीं आता है। मैं कर दूंगी ना, ठीक है यार, क्यों टेंशन लेते हो? चलो कर दो ना तो फिर। हाँ मैं बता, कंटेंट हो जाएगा थोड़ा सा। मैं ब्लॉग एडिट अभी है मेरे पास, ब्लॉग तुम मुझे बना के दो एक दो। तुम तो बोल रही थी मुझे ब्लॉग देने वाली हो, अभी तो दे दो। आपको चाहिए पहले वाले चाहिए? हाँ चाहिए, बना के दो खुद का आप एडिट। हाँ कौन वाले वो सब चाहिए आपको? संग वाले सब आपने जो बनाए थे वो कहाँ है? कहाँ है पता नहीं, कहाँ मैंने बनाया है। ये डांसिंग हो ना, आई एम सो बिजी। मैं बिजी हूँ, तुम तो फिलहाल फ्री हो ना अभी? मैं बिजी हूँ। ये बंदा जरा भी शर्म नहीं करता, मुंह पे बोल रहे थे हाँ। घर ही पे तो घर पे पड़ी रहती हो अभी? क्या घर पे क्या पड़ी रहती हो? व्हाट इज दिस बिहेवियर सुरेश लावा? अब घर पे तो करता यार, रिक्वेस्ट कर रहे हो और बोल रहे हाँ तुम पड़ी रहती हो घर पे वेली। अच्छा यार हाँ एक दो व्लॉग बना दो यार,
ये इसने सबके सामने बोला था ब्लॉग बना देंगे। तो आपने कहा, मैंने मैंने कहा पूछा आपको सही नहीं, इस पे नहीं लगाऊंगा। आपका चैनल था तब, अभी चैनल बनाया है ना, बनाया तो फिर मैं पहले तो अब दे दो मुझे, पहले वाले सेंड करूं क्या? कुछ भी दे दो, 5 मिनट का दे दो, 10 मिनट का दे दो, दे दो मुझे। गाइस वी नीड डोनट। हाँ मुझे डोनट दे दो। उसका नाम नहीं चेंज किया चैनल का, सुरेश व्लॉग। कौन सा चैनल? सुरेश व्लॉग, पहले वाले का, मेरे वाले का। उसमें मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, नहीं किया थे अभी तक, कुछ नहीं किया उसका। पबजी के लिए बना लेते हैं, आपके पास है ना उसको, पबजी के लिए बना लो। हाँ है मेरे पास। हाँ। चलो उसका उसका नाम चेंज करते हैं, उसको पबजी के लिए बना ना। हाँ उसका पबजी के बना, उसको हम 16 से लेकर 25 तक की एज ग्रुप को पबजी से लेकर उसको म्यूजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों फायदा है इसमें गाइस, कहीं से भी ऑडियंस उठाओ और इधर सिंगिंग में डालो, समझे? थोड़ा दिमाग चलाओ। Irish Queen Gaming, yes, Irish Queen Gaming है मेरे चैनल का नाम। और उस पे कितने हो गए अभी, मेरे कितने हो गए यार? आपके तो ऑलरेडी है 1.5K, मेरे कितने हैं? मेरे अभी 170। हम PUBG भी खेलेंगे, Free Fire भी खेलेंगे, और बाकी जो आप लोग बोलोगे बोले वो भी खेलेंगे यार। जरूरी नहीं है सिर्फ PUBG खेलें, जो आप लोग बोलोगे वो खेलेंगे। लोग बोल रहे सॉन्ग रियाज करो PUBG मत। अरे मैं कितना मैं बताती हूँ इस टाइम पे हम लोग, मैं अपने अपना पहले बता देती हूँ कि मैं फ्री हूँ, ठीक है? तो इस टाइम पे मेरी कोई अच्छी ऐसा रूटीन नहीं है कि मैं जल्दी उठूँ, मैं कोई काम करूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? क्योंकि मैं इस तरह कोई स्पेशल काम कर नहीं रही हूँ। एंड या लाइव है वो भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं फिर रात में जाती हूँ, फिर दिन में सो जाती हूँ, तो लाइव इस तरह डिस्टर्ब हो गया। तो अभी हम एक, हम दोनों ने एक रूटीन बनाई है, क्योंकि आपको इनका बताया कि इनका भी अभी सब सेट हो गया है, चीज़ें भी बन गया है, सब कुछ सेट हो गया है। अब इन्होंने भी अपनी अच्छी रूटीन बनाई हुई है, उठते हैं, नाश्ता करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद रियाज करते हैं, गानों की प्रैक्टिस करते हैं, और मैं भी इनको बता देती हूँ कि कौन सा गाना आप पे सूट करेगा, कौन सा गाएं, कौन सी प्रैक्टिस करें, कौन सा ये अच्छा गाते हैं, और जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत है तो वो भी मैं इनको बता देती हूँ। अब वो सब करने के बाद फिर खाना खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर फ्री फ्री होते हैं, अगर कोई काम करना होता है तो वो कर लेते हैं, और उसके बाद लाइव का टाइम हो जाता है ऑब्वियसली, और फिर हम लोग लाइव आ जाते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती हैं, यहाँ से भी फ्री होके उसके बाद लाइव आते हैं, ठीक है? अब जब लाइव हम आ जाते हैं तो लाइव के बाद हमारे पास कुछ नहीं होता करने के लिए, हम लोग सो जाते हैं। अब सो जाते हैं क्योंकि व्लॉग एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 15 मिनट का एक मैच लगा रहे हैं, 15 मिनट का मैच लगा के हम लोग वो 15 मिनट भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा देंगे कि हम लोगों ने उन 15 मिनट में भी क्या किया है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम वो 15 मिनट भी आपस में बात ना करें, ये अलग जाके चुप करके सो जाए, मैं भी जाके चुप करके सो जाऊँ, तो फिर मत देखें। क्या एक्सप्लेन किया है, वाह सही बात क्योंकि लाइक अगर ठीक है, अगर ठीक है फिर ऐसे होगा अगर लाइव बंद कर दिया, मैं क्या बोला, मैं बाहर चली जाऊँ, घूमने चली जाऊँ, और ये भी लाइक इधर उधर के कामों में लग गए, तो अच्छा है ना आपस में बात कर लें। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले होते हैं, मेरे छोटे कजन वगैरह होते हैं लाइव, तो ये रिक्वेस्ट आ रहा है। नहीं, तो लाइक ऐसा है कि मेरी फैमिली भी सबको पता होता है कि हम लोग साथ में खेल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं है कि हम कुछ छुपा हुआ नहीं कर रहे, कुछ वहाँ पे बॉम्ब नहीं बना रहे हम लोग। तो यार हम लोग 15 मिनट का मैच ही खेलते हैं, हम लोग 45 मिनट का और इस वजह से नहीं खेलते कि हम लोग लाइक गलत करेंगे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है? आप देख सकते हैं
डेली व्लॉग भी साथ साथ हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ नेपाल तो मेरे पहले वाले व्लॉग एडिट नहीं किए, बिकॉज फिर रूटीन खराब हो जाएगी। अगर पहले वाले व्लॉग लगाऊंगी तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे नेपाल जा रही। ओके ओके ओके, टेक केयर, ओके, थैंक यू सो मच। यू डम, शट अप। हां।